पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। और क्या हुआ जब साउथ स्टार प्रभास ने कृति सेनन को सरेआम लाइव टीवी पर प्रपोज कर दिया? रिप्लाई सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और ऐसे पाकिस्तानी एक्टर जिनके हैंडसम लुक के आगे बॉलीवुड के हीरो भी फेल है। और कौन है ये दुनिया के तीन सबसे ताकतवर लोग जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सुरमाओं की पैंट गीली हो जाती है? और आखिर क्यों आमिर खान अपने बच्चों को बॉलीवुड में प्रमोट नहीं कर रहे हैं? रीजन बेहद इंटरेस्टिंग है। और दुनिया के ऐसे जीनियस लोग जिन्होंने घर पर बैठे बैठे पूरे सिस्टम को हिला दिया, और वो कैसे, हम बताएंगे। साथ ही अंत में जानेंगे कुछ ऐसे काम के बारे में जिसे करना हम भारतीयों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। बस इसके लिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों वैसे तो दुश्मन की कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो तारीफ के लायक हो तो करने में भी क्या हर्ज है। वेल, हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसकी वैसे तो बुराइयां सुनते सुनते हमारे कान पक गए, मगर इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं। जैसे कि दुनिया का 70% काला नमक पाकिस्तान से ही आता है, और ये देश आज भले ही पाई पाई के लिए मोहताज हो, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर की लिस्ट में 7वें पायदान पर है। वेल, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है, जो 40 की उम्र में भी जवान दिखती हैं। और तो और यहाँ पर गधों की तादाद भी बहुत अधिक है। पाकिस्तान में इतने गधे मिलते हैं कि वो इसे अमेरिका, चाइना और अरब देशों में बेचकर मोटी रकम वसूलते हैं। अंत में आपको बता दें कि इस देश के नाम एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का कीर्तिमान भी हासिल है, जो कि कुछ 7.5 लाख के करीब है। फैक्ट नंबर 11। ये है पाकिस्तान के कुछ ऐसे हैंडसम एक्टर्स जिनके सामने बॉलीवुड के हॉलीवुड के एक्टर्स भी पानी मांगते हैं। नंबर 5 इमरान अब्बास, नंबर 4 फिरोज खान, नंबर 3 फवाद खान, नंबर 2 दानिश तैमूर, और इस कड़ी में टॉप पर यानी कि नंबर 1 पर आते हैं वहाज अली। फैक्ट नंबर 10। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया के तीन ऐसे ताकतवर शख्स से जिनके नाम से अच्छे अच्छे पहलवान खौफ खाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रायन शॉन नाम के इस बॉडी बिल्डर से, जिसके नाम एक दो नहीं बल्कि 4 बार दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब हासिल है। वहीं ये जनाब 520 किलोग्राम से अधिक वजन उठा सकते हैं। हालांकि ये हाइट में अन्य पहलवानों से जरूर थोड़े छोटे हैं, मगर हिम्मत के मामले में इन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। दूसरे नंबर पर है आयरन बीबी। वेल, अपने नाम की तरह आयरन बीबी का शरीर भी लोहे लाठ की तरह है, जो कि एक साथ 400 किलो की 2 बाइकों को कंधे पर लटकाकर रेस लगाते हैं। यहाँ तक कि 100 किलो के डंबल कई दफा उठा सकते हैं। अंत में हम जिन बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, उनके फौलादी हाथों में इतनी ताकत होती है कि वो ट्रक को उठाकर फेंक देते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया भर में मशहूर मुंबई का ताज पैलेस होटल भारत का पहला 5-स्टार होटल होने के साथ साथ इकलौता ऐसा होटल था जहाँ बिजली आती है? जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया से भी प्राचीन ये होटल 1903 में बनकर रेडी हो चुका था। लेकिन सबसे गजब बात यह है कि सन 1858 में जब इस होटल को बनने की शुरुआत हुई तो मुंबई की जनसंख्या महज 60,000 थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आज जहां इस होटल में एक रात बिताने के लिए आपको 33,000 से 1 लाख तक ढीले करने पड़ सकते हैं, वहीं एक समय यही काम 10 रुपए में हो जाता था। आज जिस ताज होटल का एक दिन का रेवेन्यू करोड़ों तक जाता है, वही ताज होटल कभी 4 करोड़ में बनकर तैयार हो गया था। फैक्ट नंबर 8। अब मिलते हैं बॉलीवुड स्टार के ऐसे सस्ते फोटोकॉपी से जो पहली नजर में तो आपको किसी हीरो की तरह लगेंगे, मगर दोबारा गौर फरमाने पर आपका उल्टियां करने का मन करेगा। वेल, पहले नंबर पर आते हैं आजम अंसारी नाम के ये इंसान, जिन्हें इतनी बड़ी गलत फहमी है कि वो सलमान खान की तरह लगते हैं, मगर हकीकत में इनकी शक्ल सलमान के नौकर से मिलती है। नंबर 2 पर है इब्राहिम कादरी, जो कि देश के अन्य नकलची बंदरों की तरह खुद को शाहरुख खान समझते हैं, लेकिन किंग खान तो छोड़िए, इनको कोई छपरी भी नहीं कहता। वहीं आखिर में आते हैं विकल्प मेहता, जो कि अक्षय की आवाज निकालने के साथ साथ हूबहू अक्षय की तरह दिखने की कोशिश भी करते हैं, परंतु असलियत में चाइना का माल लगते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों बॉलीवुड में कुछ हो या ना हो, लेकिन लव अफेयर्स का किस्सा कभी खत्म नहीं होता। और कुछ ऐसा ही हमें हाल ही के दिनों में एक लाइव शो के दौरान प्रभास और कृति सेनन के बीच देखने को मिला, जहां वरुण धवन ने कृति सेनन और प्रभास के रिश्तों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ऑडियंस को बताया कि कृति का नाम किसी के दिल पर लिखा हुआ है और वो एक्टर मौजूदा समय में दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहा है। वेल, कमाल की बात तो ये है कि उस वक्त दीपिका के साथ शूटिंग प्रभास कर रहे थे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आदि पुरुष के बाद दोनों कभी भी शादी के बंधन में बन सकते हैं। वेल, कुछ भी हो, लेकिन ऑडियंस इन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी खुश है, क्यों सही कहा ना। फैक्ट नंबर 6। नेपोटिज्म के इस दौर में हर एक्टर अपने चांद से टुकड़ों को बॉलीवुड में प्रमोट करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं, तो वहीं सोचने वाली बात है कि आखिर आमिर खान अपने बच्चों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आमिर अपने बच्चों को भी कभी भी अपने रेफरेंस से कोई भी मूवी नहीं दिलाना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो अपने बच्चों को मूवी दिला भी देते हैं तो अगर उन्हें एक्टिंग नहीं आती होगी तो वो एक फ्लॉप एक्टर कहलाएंगे, बिल्कुल अभिषेक बच्चन की तरह। इसलिए इससे अच्छा कि वो अपने दम पर अपनी पिक्चर करें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों एक तरफ जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को चैनी खैनी और गुटके की पिचकारियां मारकर करोड़ों का एंडोर्समेंट करके अपना नाम बदनाम करवा रहे हैं, वहीं आपको जानकर हैरत होगी कि इंडस्ट्री में रणबीर कपूर जैसे एक्टर भी हैं जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के बजाय फेयरनेस क्रीम का एंडोर्समेंट ठुकरा दिया। रणबीर के मुताबिक कोई भी इंसान किसी भी क्रीम को लगाकर गोरा नहीं हो सकता, बल्कि ये तो नेचुरल है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। वाह भाई वाह, रणबीर के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4। आपने मांसाहारी जानवरों के बारे में सुना होगा, यहाँ तक कि इंसानों को भी मांस खाते हुए देखा होगा, लेकिन अब जरा नजर डालिए वीनस फ्लाई ट्रैप नाम के दुनिया के इस इकलौते पौधे पर, जो कि कीड़े मेंढक छिपकली सबको खा जाता है, और वो भी बड़े ही बेहतरीन अंदाज में। असल में इस पेड़ की पत्तियाँ मुंह की तरह 2 हिस्सों में खुली रहती है, और जैसे ही कोई जानवर इनके अंदर आता है इस पौधे का मुंह अचानक बंद हो जाता है, और शिकार को अपने जाल में फंसा लेने के बाद ये प्लांट एक खास
खास तरह के डाइजेस्टिव फ्लूड रिलीज करता है जो किसी भी जीव को जलाकर उसका सूप बना देता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों दुनिया अजीबो गरीब लोगों से खचाखच भरी पड़ी है और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जीनियस की जिन्होंने अपने आइडिया से सबको हिलाकर रख दिया। आर्थक ब्राजील के रहने वाले इस शख्स ने 80 लाख रुपए का एक खास बेड बनवाया ताकि वो अपनी 6 पत्नियों के साथ एक साथ सो सके। इससे भी गजब की बात यह है कि आर्थक की कभी 9 पत्नियां हुआ करती थी मगर इन्होंने 3 को तलाक दे दिया। नंबर 2, अमेरिका की रहने वाली एक महिला को $10 की जरूरत थी इसलिए पैसे निकालने के लिए बैंक गई मगर बैंक ने उसे यह कहकर साफ मना कर दिया कि वो $100 से कम नहीं निकाल सकती। इस पर वो औरत पूरी तरह परेशान हो गई और फिर उसने एक आइडिया लगाया और बैंक के मुताबिक उसने $100 बैंक से निकाल लिए मगर अपने काम के $10 बचाकर बाकी के $90 को वापस बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। वाकई महिला के दिमाग को हमारा सलाम है। फैक्ट नंबर 2, पुष्पा मूवी देखने के बाद ये बात आप भी समझ गए होंगे कि लाल चंदन कितने कीमती लकड़ी है और आखिर उसकी तस्करी क्यों की जाती है। परंतु दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि लाल चंदन दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है तो आप गलत है क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी लाल चंदन नहीं बल्कि अफ्रीकन ब्लैक बोर्ड है। ये इतनी महंगी है कि इसके 1 किलो की कीमत से आप कार तक खरीद सकते हैं। साउथ अफ्रीका के सूखे वातावरण में मिलने वाली ये लकड़ियाँ 50 से 60 साल के लंबे समय के बाद तैयार होती है। इसके 1 किलो की कीमत 8 लाख रुपए तक होती है। हालांकि ज्यादा पैसे के लालच में अफ्रीकन लोग इसे 60 साल तक उगने का इंतजार नहीं करते और जल्दी काट लेते हैं जिसकी वजह से लकड़ी दिन ब दिन और रेयर होती जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल लग्जरी फर्नीचर और कुछ खास तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, कुछ ऐसे काम जो भारत में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जापान में अगर किसी को रोड क्रॉस करना है तो सबसे पहले सिंबल में खड़ा होना पड़ता है। ये देखकर सामने आने जाने वाली सभी गाड़ियां रुक जाएंगी और फिर वो आराम से अपना हाथ ऊपर करते हुए जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर सकता है। इसके अलावा इंडिया में लोग सामने जाम लगने की वजह से दूसरी साइड पर गाड़ी घुमा देते हैं, वहीं जापान में आप अपनी साइड के अलावा कहीं और नहीं जा सकते, फिर चाहे सामने की तरफ दूसरी साइड का रास्ता खाली ही क्यों ना पड़ा हो। और तो और एक तरफ जहां इंडिया में पेट्रोल और डीजल के बिना गाड़ी को पेट्रोल पंप तक धक्का लगाया जाता है, वहीं ताइवान में कुछ इस तरीके की बैटरी स्टेशन बने हैं जिन पर आप अपनी ठप पड़ी बैटरी को चार्जिंग पर लगाकर दूसरी बैटरी निकालकर काम चला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और जाते जाते हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।